वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपकी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ देखी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़। आज जंगल में 17 जवानों के शव भी मिले हैं। सुकमा नक्सली हमले में 17 जवान शहीद। डीआरजी एसटीएफ के जवानों को पहली बार इतना बड़ा नुकसान। इस वक्त की बड़ी खबर, आखिर ऐसा क्यों? आज के दिन ये जो बड़ी खबर निकल कर आई, दुखद खबर ये, जंगल में से 17 जवानों के शव भी बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच ये बड़ी मुठभेड़। सुकमा नक्सली हमले में 17 जवान भी शहीद। डीआरजी एसटीएफ के जवानों को पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ। सबसे पहले नवतेश टीवी इन तस्वीरों को दिखाता हुआ आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें नवतेश टीवी दिखाता हुआ। सबसे पहले नवतेश टीवी आप तक पहुंचाता हुआ जिस तरह से आज के दिन ये बड़ी और दुखद खबर, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जहां पर 17 जवान शहीद हो चुके हैं। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को पहली बार इतना बड़ा नुकसान। सुकमा में सुरक्षा बलों के 17 जवान शहीद। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी और लगातार जिस तरह से ऑपरेशन जारी है सुरक्षा बलों की तरफ से भी, लेकिन आखिर कहां पर ये चूक हो गई? जिस तरह से बड़ी खबर ये निकल कर आई, 17 देश के जवान शहीद हो गए छत्तीसगढ़ में। नवतेज टीवी सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखाता हुआ आप तक पहुंचाता हुआ सुरक्षा बलों के 17 जवान शहीद। देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। जंगल से 17 जवानों के शव बरामद किए गए। नक्सली हमले में 17 जवान शहीद। लगातार नापाक हरकत जारी रहती है जिस तरह से नक्सलियों की तरफ से, और आज के दिन बड़ी खबर ये निकलकर, और आज के दिन पूरे देश में पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान भी किया, लेकिन उसके बाद भी आखिर ऐसा क्यों? नक्सली पूरी तरह से एक्टिव क्यों आज के दिन? देखना है होगा, सहयोगी पूरी जानकारी देंगे खबर को लेकर। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इसके पहले आज तक कभी भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ एसटीएफ के जवानों को और डीआरजी को। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर है, जहां पर हर पल हर समय नक्सली एक्टिव रहते हैं, और ये बड़ी खबर निकल कर आई आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले नवतेज टीवी इन तस्वीरों को दिखाता हुआ आप तक पहुंचाता हुआ छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देखा गया, ऐसी तस्वीर निकल कर आई। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।